आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम पहलगांव से निकल गए थे। कितने बजे निकले थे? 10:30 ना। और अभी श्रीनगर पहुंच गए हैं, अभी लंच के लिए आए हैं। होटल सनसेट ही है ना, तुम्हें दिख रहा है नाम? हाँ, सनसेट। चलो तो अभी यहाँ से वेज खाना खाएंगे। और फिर एक बगीचा उस दिन छूट गया था, पहले दिन जब आए थे, निशाद गार्डन। हाँ, तो वो घूमने जाएंगे, उसके बाद हाउस बोट जाएंगे। तो आज का रात हमारा लास्ट नाइट है यहाँ पे। ऊपर जाना है नीचे के ऊपर, सभी ऊपर धूप में बैठे हुए देखते हैं ना, इधर कोई नहीं है। सब क्या खा रहे हैं? हम तो सोचा था कि वेज खाएंगे, लेकिन ये चिकन हांडी और बटर रोटी मंगाई हमने। खाना बड़ा जबरदस्त है, कहीं पे भी किसी भी होटल में हमने खाना खाया। आफ्टर लंच हम निशाद गार्डन की ओर निकल पड़े। पहले दिन हम नहीं जा पाए, बंद हो गया था शाम को, हमको लेट हो गया। एकदम डल लेक के सामने ही है, रोड बहुत बिजी रहता है, कुछ ठेले भी लगे हुए हैं आगे, तो यहाँ से आप खाना खा सकते हो, थोड़ा बहुत लज्जत हो सकते हो लोकल फूड का। और बाकी अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये डल लेक और ये यहाँ से हमारी एंट्री, निशाद गार्डन। हम थोड़ा सा नीचे उतरे हैं, यहाँ पे चिनार के पेड़ हैं। तो ये पत्ते चिनार के हैं ना? जी जी। कितनी दूर जा रहे हैं आप पत्ता लेने के लिए? अच्छा, पूरा पत्ता दिखाना है? हाँ, ये चिनार के पत्ते, अच्छी डिजाइन है, बहुत बढ़िया। इससे शायद फुहारा चालू होंगे, ये यहाँ से पूरा इसका लाइटिंग के साथ लाइटिंग जाएगा। ये रहा नीचे पानी जाने की जगह, और आगे भी ये बन रहा है, काम चल रहा है, ये पूरा दोबारा चलेगा। ये आई बिलीव आप लोग डल झील दिखाई दे रहा है, और एक कपल तो शायद वहाँ पे भी, ये डल झील है। और ये पीछे आपके पहाड़, बहुत बड़ा है ना? बहुत बड़ा गार्डन है ये। सिर्फ बड़ा है या सुंदर भी है? बहुत सुंदर भी है और बहुत बड़ा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ से ऊपर जाना है। अभी कितना दूर है गार्डन?
कितना दूर है वो नहीं पता है, लेकिन यहाँ तक आए हैं क्योंकि बहुत दूर आए हैं, बहुत ऊँचा आ गया, रोड बहुत पीछे रह गया। यहाँ पे फुहारा भी है, अभी नॉन ऑपरेशनल है शायद विंटर की वजह से। देखो लोग उधर कितने लोग बैठे हुए सीढ़ी से जा रहे हैं। चिनाब के पेड़ों से घिरा हुआ एक तरफ डल लेक और एक तरफ पहाड़ से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर निसाद गार्डन है, गर्मियों में और सुंदर हो जाएगा। जा रहा है देखो, ये तो और भी बड़ा पोर्शन है, वाओ, थ्रू एंड थ्रू। अरे लास्ट अब दी है, फाइनल लास्ट तक है। स्टार्ट हो जाएगा तो कितना बढ़िया लगेगा ये गार्डन, बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। देखो कितना दूर तक, आई थिंक और नीचे जाएगा पानी इसका, नीचे तक है पूरा, लास्ट थ्रू एंड थ्रू है। अच्छा, पूरा थ्रू एंड थ्रू है, बहुत सुंदर दिखेगा तो जी। मई में आना है फिर आना ही पड़ेगा, मई महीने में आना है। अच्छा जी, थ्रू एंड थ्रू आचे टोटल ब्यूटीफुल। ये देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है ये फव्वारा, ये लोग जो खड़े हैं उसके पीछे बहुत लंबा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। और यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ, ये और आगे है, ये देखिए ऐसा लगता है एंडलेस है, सीधा डल झील में जा रहा है, नहीं प्रैक्टिकली नहीं जा रहा है बट ऐसा लगता है। बहुत 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 खूबसूरत, वाओ, जब फव्वारे चालू हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। निसाद गार्डन से एग्जिट लेते हुए आखिरी कुछ स्टेप्स हमारे, बहुत सुंदर है, पूरा दिन आप यहाँ पे बिता सकते हो। मैडम पूरा दिन यहाँ पे बिता सकते हैं? बिता तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, पूरे कश्मीर घूमना है तो आपके घुटने में बहुत ताकत होनी चाहिए, पॉकेट में भी बहुत ताकत होनी चाहिए, तो भी अच्छे से घूम सकते हैं। सही बात है, हर जगह पे सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बिना कारण भी बिजनेस, मीठे मतलब सीधी बात कर लो तो भी सेकंड वर्ड वही पैसा, पैसा सेकंड वर्ड वही निकलता है पैसा, खुशी। ये हम आ चुके हैं, अब जस्ट इस गेट से बाहर जाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ये फव्वारा यहाँ तक आया, हमने आपको ऊपर से दिखाया, ये आगे भी चल रहा है, और मे बी मैंने जो बोला था वो सही है, आगे इसका कहीं ना कहीं डल झील में ही पानी जाता होगा, हम ट्राई करते हैं देखने का कि कुछ मिलता है क्या, कुछ है शायद। हम सही है, यहाँ से ये रोड आ गया और यहाँ से एक ड्रेन है रोड के नीचे से जो कि डल झील में ही जाता है, तो ये ठीक पे आता है, बिल्कुल ऊपर से शुरू होके वो डल झील में
पानी जाता है धीरे धीरे बहते हुए, ये मेन रोड है। एंड आई लव श्रीनगर, वो रहा, विजिट कीजिए, यू विल फॉल इन लव विद श्रीनगर। ये रहा और ये डल झील। कल आता हूँ, चलो कल मिलते हैं। तो हम अभी शिकारा में चले हाउस बोट, तो हम चले अभी हाउस बोट की ओर शिकारा में, लगेज वगैरह जिसी में वो किया है डाला है, अभी लगेज के साथ हम चले आज हाउस बोट में रहने के लिए। अभी से इतनी ठंड लग रही है ना, होगा ही रात को तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है, तो पानी के ऊपर रहना है। पता होता तो पहले दिन शिकार राइड पूरा नहीं करते। पीछे आ जाओ, मतलब पिलो के साथ आ जाओ। कुछ बोलना चाहेंगे? नज़ारा दिखा दो बस। आगे है क्या? सामान वामान कैसे चढ़ाएंगे इसमें? बोले अच्छा। ये रहा, ये वाला हमारा है, ये वाला है क्या? क्या हाँ, यही गेट तो यही है। दो बैग अभी भी है अंदर, बाहर पड़ा हुआ है। कितना अंदर जाना है, बाप रे, फ्लोर क्या ठंडा है। अच्छा, एसी की टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा जने मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करने का ना, हीटिंग। हाँ, ये हीटर चालू है क्या? ये आपके, ये जब लाइट नहीं होता तब। अच्छा अच्छा, ये क्या, किस चीज का है? गैस हीटर है, डीजल पे। बाप रे, नीचे की ठंडा। अच्छा, पूरा भीजा भेजा एकदम। बाप, नीचे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, एकदम गीला है कारपेट, ऐसा लग रहा है। फील, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। तो हो सकता है, जब नहीं है। फीलिंग ऐसी है, गीला ऑब्वियसली नहीं होगा। तो कंबल के अंदर, रजाई के अंदर बैठ गई हूँ। अभी नीचे उतरने का सीन ही नहीं है कोई भी। नहीं है खाना खाने जाएंगे, सामने की तरफ जाएंगे, रेस्टोरेंट से पूरा लुक मिलता है। अच्छा अच्छा, तो वो खाना खाने के टाइम जाएंगे ना, तब जाएंगे। नहीं नहीं, तो उसे आप जाके लेके आना। ठीक है ठीक है, जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, लेकर आऊंगी। तो आपका बोट हाउस का एक्सपीरियंस कैसा है? ये मैं सुनाता हूँ। ये है एक्सपीरियंस। होटल में बड़े शांति में थे ना हम लोग? यस, होटल का बहुत अच्छा था। बट मैं आपको बोलता हूँ, बाहर जब आप सूट इसको कैप्चर करोगे रात को और दिन में, तब वो एक डिफरेंस जो आएगा, उसी लिए बोट हाउस। अच्छा, सिर्फ एक ही नाइट लिया है इसीलिए।
अभी बीच में लाइट नहीं, पावर नहीं था, तो कैसा लग रहा था। ठंडी लग रहा था। फिर वो चालू करवाया ना, डीजल ये वाला, डीजल वाला चालू करवाया था। बाथरूम बाथरूम में भी पानी कितना ठंडा है, यहाँ पे गर्म पानी आता है क्या? आता ही है, उनको पूछना पड़ेगा सिस्टम कैसे आएगा, कितना आएगा, वो तो है ना नल का, रेड वाला। मुझे दिखा नहीं कुछ भी। अरे सब है। अच्छा, दरवाजा जैसे ही खुला इतनी ठंडी लग रही है ना बाहर, अभी खाना खाने जाना है। चलिए सो जा सो जा सो जा। मस्त है ना? हाँ बढ़िया। सर एक तू माछ खान देगा? नहीं, और एक गेस्ट है। इधर ही बैठेंगे ना। डाइनिंग से हम बाहर आ गए और ये पैसेज है यहाँ पे, जहाँ पे कि लोग बैठ के ये नज़ारे ले सकते हैं। शायद आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। सो मैडम, आप क्या सिगरेट पी रही है? हमारी बोलती बंद है फिलहाल, बोलती बंद है। ऐसे में किसकी बोलती निकलेगी मुझे नहीं पता। क्या बोल रही है? ऐसे में बोलती बंद है मेरी, वो बाल बाल की क्या हालत है। मैंने तो ऐसे ही खींचती रही ना स्टाफ उतरने के, भाई बाप रे बाप, ये देखो एक तो पानी के ऊपर एकदम सिगरेट पीने जैसा एहसास है। हालांकि मैं पीता नहीं हूँ सिगरेट। मैं कौन से पीती हूँ आप? नहीं नहीं, ये धुआं निकल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा भी निकल रहा है लेकिन मैं भी नहीं पीती हूँ। पीते नहीं हो? अच्छा, ये देखिए ये मेन रास्ता जो है, या वहाँ पे बहुत सारी बोट्स वगैरह पार्क है, उसकी लाइटें जल रही है। ये वो सीढ़ी है, रात को आप देख नहीं पा रहे हैं, हम सूर्य कैप्चर करेंगे है ना। और ये एक और सीढ़ी है, यहाँ से आपका बोट में, मतलब जो शिकारा है उसमें जाने के लिए। सबसे ज्यादा मजा जो आ रहा है वो इसमें आ रहा है, मुंह में से धुआं उड़ाने में। हाँ जी, सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं। ये थोड़ी अलग सी एक्सपीरियंस पूरी टूर की रही। पूरी टूर में शुरू के पहले के तीन दिन बहुत अच्छे से कटे है ना। शुरू के तीन दिन बहुत अच्छे से कटे। क्यों? क्योंकि होटल में थे जो सेंट्रलाइज हीटेड था। हाँ, वो भी और सेंट्रल हीटेड था, मतलब बाकी किसी भी चीज का चिंता नहीं करना था उसको। बहुत अच्छा फैसिलिटी था, उन लोगों ने सोच सोच के हाथ के सामने रखा हुआ था कि इसके बाद इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, इस चीज के बाद इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। हर एक चीज का लोगों ने सोच समझ के इंतजाम करके रखा था। खाना भी बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत सारी वैरायटीज थी, बहुत सारी वैरायटीज थी। किसी एक आधा वीडियो में आपको दिखेगी भी, एक दिन का हमने शायद कैप्चर किया है, एक आधा दिन का हमने कैप्चर किया है। बाकी कल वाला जो पहलगांव वाला होटल था, होटल ठीक था, खाना भी अच्छा था, बट उसमें वैरायटी नहीं था। होटल भी ठीक नहीं था मेरे हिसाब से, तो ठीक नहीं था। ठीक है, अभी वो तो चलेगा, लेकिन सो वी आर एंडिंग टुडे, क्योंकि अभी बहुत ठंड हो रही है और बहुत ठंड लग रही है एक्चुअली, एकदम मतलब झील के ऊपर है ना, सो इसलिए ठंड बहुत लग रही है। हम लोग अंदर जाएंगे। सो वी आर क्लोजिंग एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। कल हमारा चेकआउट है और श्रीनगर से भी चेकआउट है, सो वी विल बी गोइंग टू दिल्ली। सो मिलते हैं दिल्ली में जाके। गुड नाइट।